हाय गाइस, इस नवरात्रि सिर्फ एक मील प्लान शेयर करने की बजाय मैंने 9 मील प्लान्स शेयर करने का सोचा इन 9 दिनों के लिए, ताकि आपके मील्स में थोड़ी वैरायटी रहे और आपका नवरात्रि फास्टिंग रूटीन हेल्दी और बैलेंस्ड हो। आप फील करें लाइटर, एनर्जाइज्ड और डिटॉक्स्ड। इन डेली प्लान्स में थे होलसम मील्स जैसे साबुदाना खिचड़ी, फ्रूट सैलड्स और प्रोटीन पैक्ड मील्स जैसे मखाना और चिया पुडिंग। ये प्लान्स डिज़ाइन किए थे आपको फुल और सेटिस्फाइड रखने के लिए, ताकि आपके हेल्थ गोल्स ट्रैक पे रहें इन 9 दिनों में भी। इन मील प्लान से आप 9 किलो तक 9 दिनों में कम कर पाएंगे, क्योंकि ये काफ़ी लाइट, न्यूट्रिशियस और सेटिस्फाइंग है, और साथ ही फैट जलाने और वजन कम करने में हेल्प करेंगे। कुछ मेन पॉइंट्स हैं वेट लॉस के लिए नवरात्रि के समय। मील्स लाइट और फ्रेश रखें और डीप फ्राइड या चीनी वाले फूड्स नहीं खाने हैं। लाइट फिजिकल एक्टिविटी जैसे योगा, वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करना है, और हाइड्रेटेड रहें पानी, हर्बल टीज और नारियल पानी से। आज बारी है आखिरी मील प्लान शेयर करने की इस 9 दिन के नवरात्रि डाइट सीरीज की। दिन की शुरुआत करें एक ग्लास गुनगुने नींबू पानी में आधा टीस्पून सिलोन सिनेमन पाउडर डालकर। ये ड्रिंक हमारी बॉडी डिटॉक्स और मेटाबॉलिज्म बूस्ट करेगा। नाश्ते में लें एक पोर्शन चिया पुडिंग का। इसे मीठा करने के लिए एक चम्मच शहद का इस्तेमाल करें और ऊपर से डालें अपना मन पसंदीदा फ्रूट। मैं रेकमेंड करूंगी एप्पल। चिया पुडिंग एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का और हेल्प करेगा आपको हेल्दी और वेल बैलेंस्ड डाइट रखने में। मिड मॉर्निंग खाएं भुने हुए मखाने। 1 ounce मखानों की सर्विंग में 4 ग्राम प्रोटीन है, जिसमें ज्यादातर एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो आपकी बॉडी बना नहीं पाती, और आपको इन्हीं तरह के खानों से लेना होता है। ये एक अच्छे ऑप्शन है वेजिटेरियन और वीगन डाइट्स के लिए। इसके अलावा मखानों में कैल्शियम काफी होता है और साथ ही फाइबर भी, जिससे आपका डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक रहता है और ये कॉन्स्टिपेशन से भी बचाता है। लंच में लेना है साबुदाना खिचड़ी, जिसमें डालें मूंगफली, कड़ी पत्ता और अदरक। साथ ही पिएं 1 कप गर्म ग्रीन टी का। शाम को लें बॉइल्ड यैम या स्वीट पोटैटो चाट। स्वीट पोटैटोज अच्छे सोर्स हैं फाइबर, पोटेशियम, विटामिन्स और अदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स के, और इसी के साथ लें 1 कप ग्रीन टी। डिनर में लेना है फ्रूट बोल, जिसमें डालें शहद और भीगे हुए सब्जा। साथ में खाएं 5 भीगे हुए बादाम और 1 टेबलस्पून पम्पकिन सीड्स। सोने से पहले पीना है 1 कप जिंजर टी का। आप इस मील प्लान का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। कुकिंग के लिए सिर्फ घी का इस्तेमाल करें, वो भी कम, और सीजन करने के लिए आप सेंधा नमक या हिमालयन पिंक सॉल्ट यूज कर सकते हैं। पोर्शंस पे जरूर ध्यान दें, ज्यादा नहीं खाना है। मील्स काफी लाइट रखें ताकि वेट लॉस अच्छे से हो। ये ग्लूटेन फ्री मील प्लान काफी बैलेंस्ड और हाई फाइबर है, जो आपको पूरे दिन संतुष्ट रखेगा। तो इसी के साथ हमारा ये स्पेशल नवरात्रि डाइट प्लान हुआ खत्म। आशा है इन डेली मील प्लान से और साथ ही गरबा और डांडिया से आपको हेल्प मिली हो एनर्जाइज्ड और हेल्दी रहने में। याद रखें, नवरात्रि सिर्फ फास्टिंग के लिए ही नहीं है, बल्कि इससे आपका शरीर और आत्मा दोनों ही क्लेंस होने हैं। अगर आपको ये डेली डाइट प्लान्स अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हेल्थ टिप्स और मील प्लान्स के लिए। विशिंग यू ऑल अ ब्लेस्ड एंड जॉयफुल नवरात्रि। बाय बाय।